एक कहानी माँ और बच्चे की फलस्तीन में, माँ खुद अपनी जुबान से ये बयान कर रही है। माँ बोल रहे बच्चा एकदम उसके सामने से भागले को आता था, माँ बुलाती थी कहते आजा पा जल्दी घर के अंदर, घर को भागले को चाह रहा है, उसके सामने बॉम्ब पड़ता है और बच्चा वहां का वहां शहीद हो जाता है। माँ सबर की दुआ पढ़ती है और कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माँ का दिल तो माँ का दिल, मगर माँ क्या करते कहते सब कुछ आपको बोलते कहते मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा दर्द हुआ रहेगा, मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा दर्द हुआ रहेगा आकर को बोलते रहते हैं। वो रात जब माँ सोती है तो बच्चा ख्वाब में आता है, ख्वाब में आकर बोलता है अम्मी। तो माँ पूछते कहाँ है बेटे, तो बेटा बोलता है मैं जन्नत में हूँ। क्या हुआ, बच्चा बोलता कहते मैं भागता था, मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, मैं एक साथ जन्नत में भागना शुरू कर दिया। क्या दर्द हुआ गया बेटे, फिर को पूछते कहते हैं तूने, बोलता कहते नहीं मुझे खाली कौन की लोचे सरका हुआ, मैं जन्नत को आगा आ कर दिया कहते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें कहा जाता है कि शहीद को ना मार तो दर्द नहीं होता कहते, खाली पिंच करे सर का दर्द होता कहते। तो अंख्या के सामने है हदीस आ गई और ये बच्चे जो मर